नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ अभी। वैश्विक महामारी के चलते छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, तहसीलदार संजय शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली अरविंद डांगी, उनके सहयोगी के द्वारा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कोरोना काल में दबंगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए जिस तरह एक टीम गठित करते हुए फरार आरोपियों की धरपकड़ कराई जा रही है, उसी के साथ में सफल पुलिस के कार्यों को देखते हुए एक कदम कोरोना काल में बुजुर्गों के लिए पुलिस और प्रशासन ने बढ़ाया है, जिसमें एक संकल्प वृद्धों के संघ के टीम में छतरपुर में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग दंपति या बुजुर्ग महिला या पुरुष जिनके बच्चे या परिवार किसी कारणवश अन्य जगहों पर शहरों में निवासरत हैं, ऐसे में कोरोना की स्थिति में वृद्ध जनों के लिए सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा बना रहता है, जिनके कारण उनका घर से निकलना ना हो और उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के द्वारा अपनी पुलिस टीम के द्वारा एक ऐसा प्रयास सार्थक किया गया है, जिसमें गांव-गांव शहर-शहर जाकर पुलिस के ये जवान ऐसे बुजुर्गों से मिल रहे हैं जिन्हें किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे दवाई, चेकअप, खाद्य सामग्री या और अन्य ऐसी जरूरत जो बुजुर्गों के लिए है, उनके लिए छतरपुर पुलिस तत्पर है और इनकी बखूबी तस्वीरें अब सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से प्रसारित करने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के पूरे देश को पुनः सत्याग्रह का महत्व समझाने वाले परम आदरणीय समाज सेवी दिल्ली से अन्ना हजारे जी ने स्वयं इसे अच्छे से एक वीडियो बनाकर छतरपुर पुलिस के कार्यों की सराहना की। इस तरह छतरपुर पुलिस की एक अच्छी पहल, सफलतम सोच सामने आई है, जिस पर अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों के द्वारा बधाइयां पूरी टीम को दी जा रही है और अन्य जगहों की पुलिस प्रशासन की भी नजर इस तरह से कार्यों पर बनी हुई। श्री सचिन शर्मा, पुलिस अधीक्षक छतरपुर मध्य प्रदेश। एक संकल्प बुजुर्ग के नाम, ये कार्यक्रम डीएसपी साहब ने जो शुरू किया वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। एक तो इंसान को भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है, वो जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, एक दिन खाली हाथ से जाता तो जीता किस लिए? सेवा, सेवा। मंदिर की सेवा करते हैं, ऐसा गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है और जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है, मानव सेवा ये माधव सेवा है। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, आज कोरोना का संक्रमण पूरे देश में बढ़ गया है और ये कोरोना का संक्रमण जो बढ़ गया है, ऐसे संक्रमण में कई परिवार में वयोवृद्ध स्त्री है, वयोवृद्ध पुरुष है, घर में दो ही आदमी है, एक तो लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, खुद नहीं जा सकते और उनकी जरूरतें हैं, जैसे किराना सामान खरीदना है, मोबाइल या टीवी चार्जिंग करना है या दवाइयाँ मंगानी है, घर में बुनियादी चीज़ें जो है उनको जरूरत है वो लेनी है, लेकिन वो जा नहीं सकते लॉकडाउन। ऐसे समय पर पुलिस डिपार्टमेंट के युवक, समाज के युवक, इन्होंने ऐसे बुजुर्ग, उनके बारे में सोचना है। सेवा मतलब घर बार त्यागना नहीं पड़ता, हिमालय में जाना नहीं पड़ता, वो अपने से शुरुआत हो जाती है। जो ऐसे लोग नजर आते हैं परिवार में कोरोना में, तो उनको जो जो छोटी छोटी चीजें है वो लाकर देना, उनको जरूरत की चीजें घर में लाकर देना, इतना काम किया तो ये वो बहुत बड़ी सेवा है।
सेवा का मतलब है निष्काम कर्म, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की अपेक्षा ना करते हुए किया हुआ कर्म, यह है भगवान की पूजा। तो ये छतरपुर में पुलिस अधीक्षक शर्मा साहब जो काम कर रहे हैं, ये समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। लगता है छोटा सा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये नवयुवकों को प्रेरणा देने वाला है। और ऐसे काम आप करेंगे उसका आनंद आपको मिलेगा, वो उससे आपका सेवा भाव बढ़ते जाएगा। तो मेरी विनती है कि पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा जी ने जो उपक्रम शुरू किया उसको सबने साथ देना है। ये समाज और देश के लिए ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि ये प्रोग्राम कई लोगों को प्रेरणा देते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।